नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं महादेव एजेंसी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्म ट्रैक 6055, जिसका बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सारी हम आपको बताएंगे। बात करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आप जो वेट देख रहे हैं, आप ये जो वेट देख रहे हैं, ये 220 केजी इसके अंदर वेट लगा हुआ है। 80 केजी का ये और 45-45 केजी की इसमें 5 प्लेटें लगी हुई हैं। आगे कोई चीज़ आपने जोड़नी है तो यहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं। कितना हैवी इसके अंदर वेट दिया हुआ है कंपनी ने। और ये फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर आता है, आप देख रहे हैं फोर व्हील ड्राइव में। बात करते हैं फ्रंट की, तो फार्म ट्रैक के बैजिंग के साथ ये ट्रैक्टर है, पावर मैक्स सीरीज का ये ट्रैक्टर है। आप फ्रंट ग्रिल पर देख रहे हैं 6055, ये 60 हॉर्स पावर में ये ट्रैक्टर है, 60 HP का ट्रैक्टर है। बात करते हैं फ्रंट लैंप की इसकी, तो ये LED हेडलैम्प है और बीच में इसमें हैलोजन लाइट दी हुई है, जिससे हमारी रात में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बात करते हैं फ्रंट एक्सल की, कितना हैवी इसका फ्रंट एक्सल दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं 4x4 का इस पर लिखा हुआ है, कितना हैवी एक्सल दिया हुआ है। और ये फोर व्हील ड्राइव में ये ट्रैक्टर है। बात करते हैं फ्रंट टायर की, 9/5/24 के इसके अंदर MRF कंपनी के टायर दिए हुए हैं। और पावर स्टेयरिंग के अंदर ये जो है ट्रैक्टर आता है पावर स्टेयरिंग में। ये आप देख रहे हैं, ये अल्टरनेटर है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। और ये जो आप पंप देख रहे हैं, ये जो आप फिल्टर देख रहे हैं, ये फिल्टर इंजन ऑयल का फिल्टर है। और ये इसका जो है लिफ्ट का हाइड्रोलिक का जो फिल्टर होता है, वो ये फिल्टर है। और ये 55 लीटर की जो है टंकी के साथ ये जो है डीजल आप इसमें भरवा सकते हैं। और ये 3514 CC का जो है इसके अंदर इंजन लगा हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर। और ये 4 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर, काफ़ी हैवी इंजन है, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है ये पावर मैक्स सीरीज का 6055। बात करते हैं इसके पिछले टायर की, पिछले टायर इसमें 16/28 के MRF कंपनी के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं। अब मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको कि ये माइको कंपनी का इसके अंदर पंप लगा हुआ है, 4 सिलेंडर ये पंप है और 4 सिलेंडर ये इंजन है, 4 इसके अंदर नोजल लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं 1, 2 और ये 3 और ये 4, 4 इसके अंदर जो है नोजल लगी हुई है। बोस कंपनी का इनलाइन पंप है और साथ में वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, जिससे कि पंप की लाइफ हमारी बढ़ सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रैक्टर है ये 500 घंटों की सर्विस पे आता है, 500 घंटों में किसान इसकी सर्विस करवा सकता है। ये आप पंप देख रहे हैं, ये आप जो है इसमें फिल्टर देख रहे हैं, ये आप 500 घंटों पर जो आप इसको चेंज करवाएँगे, जिससे कि आसानी से बीच में कोई भी दिक्कत नहीं, कि बिना रुकावट के किसान अपना काम कर सकता है। और ये बैटरी बॉक्स देख रहे हैं आप, साइड में इसका बैटरी बॉक्स आया हुआ है। पहले ये बैटरी बॉक्स आता था आगे, जिससे कि तेजाब वगैरह निकलने से जो है ना हमारे ट्रैक्टर की लाइफ में कमी आती थी, तो अब ये कंपनी ने बाहर दिया हुआ है। साइड में कंपनी ने मिरर दिया हुआ है पीछे देखने के लिए। और ये ग्रिल आप देख रहे हैं, ये ग्रिल दी हुई है जिससे कि इंजन की जो गर्म हवा है वो हमारे किसान तक ना जाए, जिससे वो दिक्कत में ना आए, दिक्कत ना आए उसको काम करते हुए। और ये दोनों तरफ इस पे जो है चढ़ने के लिए पायदान दिए हुए हैं। अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, इसकी 2500 क्विंटल की, 2500 जो है किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, देसी बाजा में 25 क्विंटल की आर्म। आप देख सकते हैं कितनी हैवी आर्म लगी हुई है, ट्रैली वगैरह जोड़ने के लिए कितना हैवी हुक इसके अंदर दिया हुआ है। और ये सामान रखने के लिए इसके अंदर जो है टूल दिया हुआ है, रात में दूर से दिखाई देने के लिए जो है आप ये देख रहे हैं दिया हुआ है। इसमें पानी की बोतल है, थर्मोस है, अपना कुछ भी किसान अपना रख सकता है, तो उसके लिए भी कंपनी ने किसान की आवाज़ को सुना है और इसमें रखने के लिए जगह दी है। ये आप देख रहे हैं 2 नोजल इसके अंदर लगी हुई हैं, ये लेजर लेवलर में आप इसको जोड़ सकते हैं, आसानी से ये जोड़ सकते हैं। और इसका जो अलग से जो लीवर दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये लीवर दिया हुआ अलग से, जिससे आप आसानी से इसको उठाना गिराना कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रैक्टर ऊपर से दिखाऊंगा कि ऊपर से जो है ट्रैक्टर कैसा दिखाई देता है।
कितना कंफर्टेबल ये जो है ट्रैक्टर है, सीट इसकी एडजस्टेबल है, आप इस सीट को आगे पीछे जो है कर सकते हैं। ये जो गियर आपको दिखाई दे रहा है ये हाई लो का गियर है, और ये जो दिखाई दे रही है आपकी ये पीटीओ की क्लच है, ये इसका हैंड ब्रेक है, ये आप देख रहे हैं हैंड ब्रेक, और ये इसका लीवर है पीटीओ का, पीटीओ का लीवर है। राइट साइड में देख रहे हैं आप, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, हाई लो का मिला के 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स में ये ट्रैक्टर आता है। ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर आप देख रहे हैं, ये दोनों इसका ये वाला ड्राफ्ट लीवर है, ये पोजीशन लीवर है, जिससे आप जुताई को अपने कंट्रोल में करके आप इसको चला सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ट्रैक्टर, आप देखना इसकी आवाज़ कैसी है, इतनी शानदार और जानदार आवाज़ है इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल ट्रक के जैसी आवाज़ है इसकी, इतनी जानदार आवाज़ है आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ट्रैक्टर ख़रीदना है तो आप गोहाना की महादेव एजेंसी पे आके वहाँ के मैनेजर से बात कर सकते हैं, आप इस ट्रैक्टर को वहाँ के ख़रीद सकते हैं। आपके पास कोई पुराना ट्रैक्टर है तो आप पुराना ट्रैक्टर को जो है आप वहाँ पे लेके उसकी अच्छी वैल्यू लगवा के और आप वहाँ पे इसको ले सकते हैं, अपने पुराने ट्रैक्टर को आप बेच सकते हैं। तो कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद सभी साथियों का जिसने हमारी वीडियो देखने का टाइम दिया, धन्यवाद।